दोस्तों नमस्कार। वसीम जाफर एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट टीम में जिन्होंने 31 टेस्ट मैच खेले, एक डबल सेंचुरी है उनके नाम। उन्होंने एक टीम घोषित की है, अपनी अपनी टीम बनाई है उन्होंने कागजों पर कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है भारत की वनडे टीम में, खासकर वेस्ट इंडीज दौरे के लिए। तो वेस्ट इंडीज में प्लेइंग 11 आपने भी जरूर सोची होगी कि क्या टीम होगी, लेकिन जो उन्होंने सोची है वो मैं आपको बताऊंगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जैसा कि आप भी सोच रहे होंगे वही कुछ उन्होंने सोचा है। विराट कोहली को वो नंबर 3 पर, ये भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन नंबर 4 पर ये संजू सैमसन को रखना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि ईशान किशन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था पिछले दिनों, और वैसे भी वनडे क्रिकेट में वो एक जो है डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हर कोई ईशान किशन के साथ था, थोड़ा तजुर्बा भी उन्हें मिला, लेकिन जो वसीम जाफर है वो संजू सैमसन के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंबर 4 के लिए ये उपयुक्त खिलाड़ी है, 11 वनडे मुकाबलों में जिसका 66 का औसत हो, 2 हाफ सेंचुरी हो, उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसके अलावा हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव का नंबर उन्होंने शायद इसलिए नीचे रखा है कि उनको बिल्कुल T20 वाले हालात जो है वो मुहैया कराना चाहते हैं, यानी जब 30 ओवर के बाद का खेल हो जब भी, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य कुमार यादव को बड़ा अपनापन सा लगेगा कि जैसे कि वो अपना ही पसंदीदा फॉर्मेट खेल रहे हों T20 क्रिकेट, और T20 क्रिकेट के वो बेताज बादशाह रहे हैं। 3 उनके नाम सेंचुरी हैं और तीनों सेंचुरी जो है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बनाई है। उसके बाद उन्होंने जो नाम रखा है जडेजा का, फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव के बाद उन्होंने सिराज और उमरान मलिक का नाम रखा है, लेकिन तब तक सिराज की घोषणा नहीं हुई थी, सिराज टीम में मौजूद थे तब उन्होंने सिराज का नाम रखा। चलिए इनको थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट दे देते हैं, सिराज की जगह पर हम मुकेश कुमार को रख लेते हैं। और अब आप इस टीम से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या जडेजा को यहाँ टीम में रखना उपयुक्त होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम है और वेस्ट इंडीज अब वो टीम नहीं रही, वर्ल्ड कप में तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, और पिछले जो सुपर लीग हुई थी वनडे की उसमें भी ये बहुत नीचे स्थानों पर लुढ़क गई थी। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यह रहेगा कि जडेजा की जगह आप क्या सोचते हैं कि शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाए, क्योंकि मैच बारबाडोस में हो रहा है, ब्रिज टाउन बारबाडोस की पिच भी काफ़ी तेज होती है, और यहाँ जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वहाँ जो टॉप 3 विकेट टेकर थे उसमें तीनों तेज गेंदबाज थे, और इसके अलावा जयदेव उनादकट और शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को रखा जाना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि इसमें टेल थोड़ी सी हमारी खराब हो जाएगी, यानी उनके पास बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में आप एक अक्षर पटेल को टीम में रख सकते हैं। 2 स्पिनर्स को यहाँ पर खिलाना एक तरह से मुझे लगता है लग्जरी होगा। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।